हरिद्वार में लोगों को हेलमेट पहनने और ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए लगाई गई सीपीयू व्यवस्था सुधारने के बजे गुंडागर्दी पर उतारू हो गई है। मंगलवार देर रात एक बार फिर कनखल थाना क्षेत्र में सीपीयू कर्मी ने दिल्ली के यात्रियों के साथ न केवल गाली गलौज की बल्कि जमकर मारपीट भी की, जिसके बाद अब कनखल पुलिस दोनों पक्षों की ओर से मुकदमा दर्ज कर रही है। ज्यादा बदतमीजी की है इतनी कि अब तो हरिद्वार में कोई आए भी ना तो इस पुलिस वालों की वजह से कोई आएगा नहीं। हम तो फर्स्ट टाइम आए और फर्स्ट टाइम ही ऐसा करके जा रहे हैं कि हे गंगा मैया, ऐसा पुलिस वालों को ऐसा सुरक्षा के लिए रखा है यहाँ पर कि ये तो औरतों की इतनी बेइज्जती कर रखी है। कहां से अभी 3 गाड़ियां है हमारी और जो बैठी हुई थी हमारी ननन थी, उनसे कह रहे तुम्हारी ऐसी तैसी हो जाएगी, अभी हम तुम्हारे ये कर देंगे। और हमारी जो सास है उनको गंदी गाली दे रहे थे कि तुम्हारी ऐसा कर देंगे। सीपीयू द्वारा चेकिंग की जा रही थी तो इनके द्वारा बताया गया कि सीपीयू द्वारा बदतमीजी की गई है, लेकिन सीपीयू द्वारा बताया जा रहा है कि ये लोग नहीं रुके और जबरदस्ती इन्होंने सीपीयू के ऊपर गाड़ी चलाने का प्रयास किया है। इसमें दोनों पक्षों को थाने पे ले आकर बातचीत की जा रही है, जांच की जाएगी। 108 किसी को लेगी, उसका स्वास्थ्य खराब हो रखा है और उसमें देख रहे हैं, जांच करेंगे। सीपीयू वालों का कहना है कि जबरदस्ती इन्होंने हमारे ऊपर गाड़ी चढ़ाई है, उस बारे में भी हम जांच करेंगे गलती किसकी है और कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पे थाना अध्यक्ष भी आए, मैं भी आया, तो हमने कहा थाने में चलो आप, अगर सीपीयू वालों ने बदतमीजी की तो उनके खिलाफ जांच का विषय जांच की जाएगी, और या तुमने बदतमीजी की उसकी जांच की जाएगी। आप आरोप है कि आपने मार पिटाई करी, मार पिटाई करी है, उनको चोटें आई है और उनको हॉस्पिटल भेजा गया है। नहीं, मार प्राइवेट पिटाई का अगर वो आता है तो उस बंदे के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, अगर सीपीयू वाला भी है, चाहे वो प्राइवेट आदमी है चाहे सीपीयू वाला है, जिसने भी अगर ऐसी कार्रवाई की। ऐसा सीपीयू में ऐसा नहीं है कि कोई मार पिटाई कैसे आई उनके, अब पता चलेगा जांच के बाद। कहना है कि जो लोग लाखों श्रद्धालु हरिद्वार आ रहे हैं उनका कहना है कि यदि उत्तराखंड पुलिस ऐसा व्यवहार करेगी उत्तराखंड में कौन आएगा। बिल्कुल गलत है, अगर ऐसा व्यवहार होता बिल्कुल गलत है, उनके खिलाफ जांच की कार्रवाई होगी। ठीक, यात्री कह रहे हैं। मणिपुर के चंदेल जिले में पेट्रोलिंग के दौरान आतंकी हमले में शहीद हुए असम राइफल के शहीद जवान महेश कुरंग का पार्थिव शरीर कनखल लाया गया, जहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ उत्तराखंड के लाल को अंतिम विदाई दी गई। महेश की चिता को उनके भाई रमेश ने मुखाग्नि दी। ये हमारे ग्राम सभा के रहने वाले थे और बहुत ही छुट्टी आते थे, बहुत ही सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे और हमारे गांव को क्या पूरे प्रदेश को इससे बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। और हम सरकार से, मीडिया के माध्यम से सरकार से मांग करेंगे कि हमारी ग्राम सभा का जो एंट्रेंस है वहाँ महेश, श्री महेश गुरु के नाम से एक द्वार बनाया जाए, स्मारक बनाया जाए और हमेशा के लिए, ताकि ये प्रेरणा मिले और हमें प्रेरणा मिले इनके इनकी शहादत पे हम नमन करें। इसमें दुखद घटना भी है इसमें, और थोड़ा ये कि पूरे परिवार के लिए काफ़ी उसकी बात है, गर्व की बात है। ये मेरे छोटे भाई थे, मैं उनका बड़ा भाई हूँ, ये उनका बेटा है, इनका नाम आयुष गुरु है। तो ये 22 तारीख घटना हुई, हमें 23 तारीख को पता चला, तो बॉडी आ जाई तो आज इनका अंतिम संस्कार। 42 वर्ष के थे, 29 असम राइफल के थे। इनका एक बेटा है, एक लड़की हुई, वो भी 23 तारीख को ही हुई, 22 तारीख को इनका एक घटना हुआ, 23 तारीख को लड़की जन्मी। हमारा इसमें एक जवान शहीद हो गया जो कि उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ चल रही थी, हमारे भी 3 ग्रुप थे और इन्होंने घात लगा रखा था, तो उसमें हमारा एक जेसिस और 6 जवान शहीद हुए हैं, जो कि एक जेसिस और 2 जवान हमारे हिमाचल और जम्मू के थे और 2 जवान, एक जवान पटना बिहार और एक रांची का था और एक जवान उत्तराखंड से, जिसकी डेथ बॉडी को हम लेके आए हैं शहीद की बॉडी को। बुधवार की दोपहर हुगली जिले में अचानक मौसम ने करवट बदल ली, इलाकों में धूल भरी आंधी और बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया। पिछले कई दिनों से पड़ रही तेज गर्मी से जहां फिलहाल लोगों को राहत मिली, वहीं तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी चलने लगी, जिससे कई जगह पेड़ उखड़ गए।
शाहजहांपुर की धरती पर जन्मे मशहूर बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव ने शाहजहांपुर में एक होटल में मीडिया से मुखातिब होते हुए अपने छोटे भाई राजेश यादव को जनपद की तिलहर विधानसभा से आगामी विधानसभा चुनाव में चुनावी रणभूमि में उतारने की घोषणा कर दी। नौरंग यादव जो है वो उसके प्रत्याशी जो है वो उनको बनाया है और पूरे परिवार और सबकी इच्छा थी कि वो चुनाव लड़े और पिछले 10-12 साल से वो प्रधानी में संलग्न थे और तो पूरा परिवार ये घोषणा करते हुए बड़ा खुश हो रहा है कि राजेश नवरंग यादव जो हैं वो तिलहर विधानसभा से चुनाव लड़े। हुंगली जिले में सीपीएम समर्थकों पर हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला है हुंगली चुचुड़ा नगर पालिका के अंतर्गत आने वाले वार्ड नंबर 7 के बाली मोड़ इलाके का, जहां पार्टी कार्यालय का काम खत्म कर घर लौट रहे विरोधी दल के नेता श्रमिक मजुमदार पर कुछ तृणमूल आश्रित गुंडों ने लात घूसों से हमला बोल दिया। घटनाटा घटेছে গতকাল রাতে বেলা আমরা বালির মোড়ে আমরা হুগলি আঞ্চলিক 2 নম্বর কমিটির যে আমাদের কার্যালয় পার্টি সেখানে বিজয় মধু ভবনে আমরা কালকেই পার্টি বিষ্টা খুলেছিলাম সকালবেলায়। এবং যথারীতি পার্টির বিভিন্ন কার্যকলাপ যেভাবে আমরা করে থাকি পার্টি বিষে বসে দৈনন্দিন যে কার্যকলাপ আমাদের হয় সেইভাবেই আমরা সন্ধ্যের দিকে পার্টি বিষ খুলেছি। মানুষজন যাতায়াত করছে, লোকজন যাতায়াত করছে, আমাদের কমরেডরা সব রয়েছে, সাধারণ মানুষরা আসছে। তারপরে যখন ওই রাত 10:15 কি 20 নাগাদ আমরা যখন পার্টি বিষটা বন্ধ করছি, আমাদের কার্যালয় বন্ধ করছি, আমাদের নেতৃত্ব আস্তে আস্তে আমরা সব চলে যাচ্ছি বাড়ির দিকে যে যার, সেই মুহূর্তে বেশ কিছু মব প্রায় 15-16 জনের একজন একটা গ্রুপ হট করে এসে আমরা বাইকে স্টার্ট করেছি যাব, প্রথমে এসে বাইকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। ফেলে দেওয়ার পরে মানে छतरपुर नगर पालिका में उस समय विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई जब कांग्रेस कार्यकर्ता शहर में पानी की समस्या को लेकर नगर पालिका में खाली मटके लेकर आंदोलन करते हुए सीएमओ को ज्ञापन देने गए। तभी अचानक बीजेपी कार्यकर्ता वहां पर आ गए और बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यकर्ताओं से गुंडागर्दी करने को उतारू हो गए। नगर पालिका में कुछ विवाद हुआ है उसको लेकर कांग्रेस वालों ने ज्ञापन दिया है और ज्ञापन पर कार्रवाई की जाएगी, जांच कराई जाएगी, जो भी अपराध बनता है वो कार्रवाई की जाएगी। इन लोगों का कहना है कि मारपीट भी की गई और सभी जांच में सभी मुद्दे शामिल आएंगे। दिल्ली से सटे यूपी के बुलंदशहर में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद है कि बदमाश दिन दहाड़े गोलियां बरसाने में भी गुरेज नहीं समझते हैं। पूरा मामला बुलंदशहर के सिकंदराबाद का है, जहां एक किराना के व्यापारी से फिरौती की रकम न मिलने पर बदमाशों ने व्यापारी को गोली मार दी। वही घटना को अंजाम देने वाले दोनों बदमाश सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। इंजर्ड व्यक्ति है मनोज, वो लाला हरिकिशन का लड़का है। मूलतः ये लोग रहने वाले गौतम बुद्ध नगर के हैं, लेकिन पिछले 10-15 साल से बता रहे हैं कि यहाँ पे इनकी अपनी मकान है, उसमें किराने की दुकानें चलाते हैं। तो अभी प्रथम दृष्टया कुछ कहना संभव नहीं है, पुलिस अभी इसकी छानबीन कर रही है। इनका आपसी लेन देन का भी विवाद हो सकता है या रंगदारी का भी, जैसा कुछ लोगों ने बताया है, तो छानबीन के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। पौधी मांग रहे थे बहुत दिन से पापा जी से, पापा ने मना कर दिया, मेरे पैसे नहीं है। इतने में दो जने थे, एक ने तो गोली पैर में मारी, एक ने दुकान में खाली पैर कर दिए, बस इतनी यार। फिर पापा फोन कर रहे थे, कह रहे आपका फोन कर देता हूँ, आपका छाती में मालूम है। कौन लोग हैं, पहचानते हैं आप? ऐसे पूछे मालूम है, पापा जी मार। हरिद्वार में सीएम हरीश रावत का सम्मान समारोह हुआ। अर्धकुंभ सकुशल संपन्न होने पर सम्मान समारोह किया गया। इस सम्मान समारोह में पहुंचे हरीश रावत ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे हो गए हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की कथनी व करनी में अंतर है। देखिए, उन्होंने बातें कुछ अच्छी कही हैं, मगर वो बातें आगे बढ़ें और उन पर कुछ काम हो वो दिखाई नहीं देता है। 15 लाख रुपया प्रत्येक खाते में पहुंचाने की बात कही गई थी, नहीं हुई है।
यार आईडी कहाँ है? औद्योगिक उत्पादन नहीं बढ़ा है, रोजगार जी को आगे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है, उन्होंने राज्यों को स्वायत्तता देने की बात कही थी, राज्यों को अपने तरीके से आगे बढ़ने देने की बात कही गई थी, और करनी और कथनी में बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर संघवाद का की हत्या की गई है, उसके बाद जो है उनकी कई बातें ऐसा लगता है कि कहने में अच्छी हैं मगर धरती पर ठीक उसका उल्टा है।